यूपी में रिटायर जजों की सुविधाएं देने संबंधी आदेश की अवहेलना का मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट से यहां पर यूपी सरकार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को तुरंत सूचित करने के लिए आदेश दिए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से रिटायर जजों को सुविधाएं देने संबंधी आदेश की अवहेलना होने पर मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त के खिलाफ वारंट जारी कर दिया था, जिसके खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। यहां पर बड़ी राहत मिली है यूपी सरकार को। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी इस पर देंगे। अनुभव, सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को इस मामले में राहत मिल चुकी है और क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईकोर्ट ने कल हम कहें कि जिस तरीके से आदेश दिया था उस पर स्टे लगा दिया है और कहीं ना कहीं अधिकारियों को राहत मिली है। जिस तरीके से ये जो रिटायर्ड जज थे उनसे जुड़ी हुई याचिका पर सुनवाई हो रही थी और उसमें कहीं ना कहीं हीला हवाले अफसरों की तरफ से थी, इसी को लेकर हाईकोर्ट ने बहुत सख्त अख्तियार किया था और दो अफसर जो वित्त विभाग के थे उनको तो कल पूरे दिन बैठा रखा, वहीं हिरासत में कहा था ले लिया जाए, फिर उनको हालांकि रात में जमानत मिली थी और उसके बाद मुख्य सचिव को आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा उनको तलब किया था, एसीएस वित्त जो है प्रशांत त्रिवेदी उनको तलब किया था और ये कहा था कि आज दोनों 11 बजे तक हाजिर हो कोर्ट में। लेकिन इसके जो हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसको लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्टे लगाया है और कहीं ना कहीं राहत मिली है अधिकारियों को भी सरकार को भी। लेकिन जिस तरह से अफसरों की जो लापरवाही या फिर हाईकोर्ट जो कुछ कहता है उसके कंप्लायंस में जिस तरह से देरी होती है उसको लेकर एक बड़ा मैसेज कल हाईकोर्ट ने दिया है, बड़ा निर्देश दिया है और उसमें साफ तौर पर दो अफसर जो वहां गए थे सुनवाई के दौरान उनको तो वहीं पर कहा कि इनको हिरासत में ले लिया जाए और वो वहीं बैठे रहे, फिर बाद में उनको देर रात उनको जमानत मिली है और आज सुबह कह दिया था कि मुख्य सचिव तुरंत आए। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को एक बड़ी राहत। बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। संभल से ये बड़ी खबर है, सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने की बगावत, सपा प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान किया है। सपा ने रुखसाना इकबाल को टिकट दिया है लेकिन बर्क ने यासीन सैफी की पत्नी और निर्दलीय उम्मीदवार फरहान सैफी का समर्थन किया। सपा ने अपने विधायक इकबाल मसूद को की उनकी पत्नी को प्रत्याशी बनाया है जिसका बर्क विरोध कर रही है। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क उनके पोते सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क ने मंच से ही ऐलान किया। अब एक बार फिर यहां पे देखा जा रहा है शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से बगावत रुख अपनाई जा रही है। सपा सांसद है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क लेकिन उनकी तरफ से बगावत रुख अब देखने को मिल रहे हैं। हमने ये तय किया है कि यासीन सैफी को संभल जिसे सपा का गढ़ कहा जाता है, ऐसे में सपा सांसद बगावत रुख क्यों यहां पर दिखा रखे हैं? अब ये हम आपको बता देते हैं। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के बगावत तेवर अब यहां देखने को मिल रहे हैं। सपा उम्मीदवार के खिलाफ उन्होंने अपना निर्दलीय उम्मीदवार उतार दिया है। रुखसाना इकबाल को टिकट देने से शफीकुर रहमान नाराज बताए जा रहे हैं। सपा सांसद ने इकबाल महमूद की पत्नी को उम्मीदवार बनाने का यहां पर विरोध किया। सपा ने विधायक इकबाल महमूद की पत्नी को अपना उम्मीदवार यहां पर बनाया, इसी का विरोध यहां पर बर्क की तरफ से किया जा रहा है। शफीकुर रहमान ने निर्दलीय प्रत्याशी फरहान सैफी का यहां पर समर्थन किया है। अपने पोते और सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क के साथ मंच से ऐलान किया। संभल के सपा सांसद है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क अपने बयानों को लेकर अक्सर शफीकुर रहमान चर्चा में बने रहते हैं। अब एक बार फिर से उनके बगावत रुख यहां पर देखने को मिल रहे हैं। संभल से सांसद हैं लेकिन यहां पर उन्होंने यहां पर अपने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। उबैदुर रहमान मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक जानकारी देने के लिए। उबैदुर रहमान, संभल से ये खबर देखने को मिल रही है कि जो जिसे सपा का गढ़ कहा जाता है वहां पर शफीकुर रहमान अपने बगावत रुख दिखा रहे हैं, यानी इससे ये साफ है क्या उबैदुर रहमान की यहाँ पर भी सपा दो खेमे में बढ़ती हुई दिख रही है? देखिए सोनिका, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जो है वो एक पुराने नेता हैं और उनका संभल में जो पूर्व मंत्री हैं नवाब इकबाल महमूद जो मौजूदा विधायक हैं जिनकी पत्नी को समाजवादी पार्टी ने रुखसाना इकबाल को प्रत्याशी बनाया है उससे उनका उनसे दोनों गुटों का इनका मुकाबला पहले से रहता है। लेकिन बर्क अपने कुछ करीबी लोगों को टिकट दिलाना चाहते थे समाजवादी पार्टी में
बर्फ के पोते जो है जियाउर रहमान बर्फ, वो भी कुंदरकी विधानसभा सीट जो मुरादाबाद में लगती वहां से विधायक है और बर्फ का एक बड़ा राजनीतिक कैरियर है। लेकिन बर्फ को कहीं ना कहीं लगता है कि पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज किया, टिकट बंटवारे में उनकी नहीं सुनी गई, इसी वजह से उन्होंने खुले आम बगावत कर दी है। और अब संभल नगर पालिका अध्यक्ष का जो चुनाव है उसमें जो यासीन सैफी की पत्नी है फराना यासीन सैफी, उनको उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है, ऐलान कर दिया है। और बर्फ का जो वर्चस्व है संभल की राजनीति में या संभल के अंदर वो बहुत मजबूत माना जाता है कि बर्फ जिस तरफ होते हैं मजबूत होता है। और इसका असर ना सिर्फ संभल पे पड़ने वाला है क्योंकि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्फ पार्लियामेंट में सबसे सीनियर सांसद हैं, पार्टी में बहुत सीनियर हैं और पिछले दिनों जो आपने देखा था कि उन्हें पार्टी ने अपनी मीटिंग में भी नहीं बुलाया था। क्योंकि ऐसे में अब्दुल रहमान इस बगावत तेवर का क्या असर निकाय चुनाव पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को कई जगहों पर इससे नुकसान हो जाए क्योंकि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्फ का जो कद है वो बड़ा है और बर्फ अगर नाराज हुए हैं और सपा प्रत्याशी के खिलाफ किसी निर्दलीय को अगर वो चुनाव लड़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका असर समाजवादी पार्टी पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है और समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर पहले भी हम देखें तो कई बार ऐसा हुआ है कि दो गुटों की वजह से सपा हारी है अपने घर में, अगर जब दो गुट बन जाते हैं तो बिल्कुल पहले भी दो गुट सपा में दिख चुके हैं और एक बार फिर से कुछ वैसी तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तमाम जानकारी अब तक पहुँचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।